अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? करता हूँ ठीक हो गए। मैं हूँ अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं अब्दुल रहमान ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो मैं मौजूद हूँ आइसक्रीम दुकान पर। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और आज आपको आइसक्रीम विजिट करवाने वाला हूँ। उस क्या बना रहा हूँ, तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर आइसक्रीम बाहर शोर बहुत ज़्यादा है और आइसक्रीम विजिट करने लगे हैं। देखें माशाल्लाह, एक तरफ वनीला है यानी कि सफ़ेद है और दूसरी तरफ ये चॉकलेट है और ये मिक्स फ्लेवर है। और अब ये घुलने लग गई है। देखें गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी बर्दाश्त नहीं करती आइसक्रीम। हम खाते खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर चॉकलेट जम चुकी है और वीआईपी फीलिंग आ रही है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अब जी आ गए हैं छोटे छोटे दो क्रिस्पी समोसे और ये बड़े समोसों से काफ़ी अच्छे होते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं छोटे समोसे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ से क्रिस्पी हैं और अंदर से देखें इस अंदर से बिल्कुल नरम है और मेरे ख्याल में अंदर दाल वगैरह भी है। इसकी एक थोड़ी सी डिप लगाते हैं चटनी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चटनी एकदम खट्टी है और वीआईपी माशाल्लाह समोसा है। छोटे समोसे वैसे भी लजीज होते हैं जी। तो फ्रेंड्स अब कच्चे आम हमारे पास आ गए हैं, इसका हमने अचार बनाना है और इसको मैं काटने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले नीचे देखें ये गट्टू बिछाया है ताकि फर्श वगैरह ख़राब ना हो और उसके ऊपर यहाँ पर मैंने फट्टी रख दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी बड़ी फाड़ियाँ हो गई हैं। अब ये अचार के लिए बेहतरीन है। ठीक है, चार फाड़ियाँ एक आम की बनी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके दंदा थोड़ा सा ख़राब था ये, फिर हमने कुल्हाड़ी और लिया। ये देखें ये वीआईपी कुल्हाड़ी है, अब इससे सही आएगी। इस तरह ये देखें ये ख़राबी हो रही थी आम के अंदर, अगर आपको नज़र आ रही है तो अब मैंने देखिए मैंने एक प्रांत इसके अंदर मैंने डालनी है मुकम्मल फाड़ियों को और थोड़ा सा खा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर गिड़क भी नहीं है और ये बिल्कुल सही है, इसको खा के देखते हैं। इसके अंदर खट्टे मीठे बिल्कुल आम मिक्स हैं, तो ये यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर खट्टे हैं और मीठे भी हैं। तो इसको अब अच्छे तरीके से धो लेते हैं और धोने के बाद फिर इसको यानी कि सुखाते हैं, खुश्क करते हैं। खुश्क करने के बाद फिर इसके अंदर हम मसाले वगैरह डाल के फिर इसका अचार बनाते हैं। Thank you.
जी तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं और अचार इंशाल्लाह बन जाएगा, जब बन जाएगा आपको विजिट करवा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाना है। तो आज की वीडियो यहाँ पर स्टॉप करते हैं।